मुझे लगता है कि थोड़ा सा झगड़ा भी जरूरी होता है दोस्ती और प्यार में। इस बहाने पता तो चलता है कि किसके लिए आप इम्पोर्टेंट हो और किसके लिए अपनी ईगो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप एक परफेक्ट इंसान का इंतजार कर रहे हो कि फिर आप दोनों एक परफेक्ट रिश्ते में आ जाओगे। तो एक बात समझ लो कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। नहीं, आपको किसी इम्परफेक्ट इंसान के साथ इम्परफेक्ट रिश्ता बिल्ड करना होता है, एक दूसरे को वक्त देके, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, और फिर वही इम्परफेक्ट रिश्ता कहीं ना कहीं दोनों के लिए परफेक्ट बन जाता है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको कोई छोड़ के चला गया है। माना कि आपको कुछ देर के लिए अफसोस होगा कि आपने ऐसे इंसान से मोहब्बत क्यों की, लेकिन ये याद रखो कि कुछ समय बाद उनको एहसास होगा और उसके बाद उनको जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि उन्होंने क्या खो दिया। मदद भी अजीब चीज है ना, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो जिंदगी भर याद रखते हैं। सही कहा ना, मैंने देखा है कि आजकल के जमाने में ना अक्सर हम लोगों को इतनी ज्यादा इज्जत दे देते हैं ना कि वो जब चाहे हमें बुरा भला बोल देते हैं, इवन हमारे परिवार के बारे में भी गलत बोल देते हैं। पर याद रखो, किसी को भी इतनी इज्जत मत दो कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना हक समझे। एक बात कहूं, ये जो माँ बाप सोचते हैं ना कि उनका बेटा बिगड़ गया है तो उसकी शादी कर दो वो ठीक हो जाएगा, ये सबसे गलत सोचते हैं। अरे यार, क्यों किसी आने वाली लड़की की जिंदगी खराब करनी है? उसके कितने सपने होते हैं अपनी शादी को लेकर, अपने पति को लेकर। उसके सपनों की बलि चढ़ाने का हक किसी को नहीं है। सुनो, ये जो लोग होते हैं ना जो आपकी जिंदगी में आते हैं और प्यार के बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर जब उनका दिल भर जाता है तो मजबूरियों के बहाने बना के छोड़ने लगते हैं। तो उनको वहीं रोक दो और कह दो कि मजबूरियों के बहाने मत बनाओ, बस मान लो कि तुम बेवफा हो। याद रखो कि रिश्ता वो नहीं होता है जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता तो वो होता है जो दिल से निभाया जाए। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता है, अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाए। मत करो मैसेज अगर रिप्लाई नहीं आता है। अरे मत करो मैसेज अगर रिप्लाई नहीं आता है। रिश्ता अपनी जगह और सेल्फ रिस्पेक्ट। हाय गाइस, दिस इज गीत। आई होप आप इन बातों से रिलेट कर पाए हो एंड कुछ सीख भी पाए हो अपने रिश्तों के लिए। कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइक की है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना उन सब लोगों के साथ जिनको आपको लगता है ये बातें पसंद आएंगी। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। और आप मेरे साथ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक @theofficialkeith। तो आज के लिए बस यही, सी यू नेक्स्ट टाइम।